यदि आप यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लवासना मसूरी से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1972 से पहले एकेडमी को एक अलग नाम से जाना जाता था। कई सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो लवासना में जाकर ट्रेनिंग के सपने संजोते हैं, लेकिन जहां देश की इतनी कठिन ट्रेनिंग होती है उसके कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे अत्यधिक लोग वाकिफ ही नहीं होंगे। तो क्या है वह अमेजिंग फैक्ट्स, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी, जिसे लबासना के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के मसूरी के खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। अकेडमी अखिल भारतीय सेवाओं में प्रवेश करने वालों के लिए एक सामान्य फाउंडेशन कोर्स आयोजित करती है। 1958 में स्थापित अकेडमी हर साल सिविल सेवकों का एक नया बैच हमें देखने को मिलता है। 1972 तक लबासना को राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी के रूप में जाना जाता था। 15 अप्रैल 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने लोकसभा में घोषणा की थी कि सरकार एक राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी स्थापित करेगी जहां सिविल सेवा के सभी रंग रूटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली और आईएएस स्टाफ कॉलेज शिमला को मिलाकर मसूरी के चालोर विले एस्टेट में स्थापित होने वाले राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी बनाने का भी फैसला किया था। सितंबर 1959 के पहले दिन मेटकॉफ हाउस में प्रशिक्षण पद से पर्दा उठ गया था। अक्टूबर 1972 में अकेडमी का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी कर दिया गया और जुलाई 1973 में इसमें राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था। अकेडमी को अब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी यानी लबासना के रूप में जाना जाता है। दूसरे इसके रोचक तथ्य की बात की जाए तो अकेडमी गीत, यानी दोस्तों अकेडमी गीत श्री द्वारा रचित एक बंगाली गीत है। आतुर प्रसाद सेन 1871 से 1934 तक एक प्रसिद्ध बंगाली संगीतकार, गीतकार और गायक रह चुके थे। वह एक सफल वकील, परोपकारी समाज कार्यकर्ता, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। इस अकेडमी द्वारा श्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था। राजेश्वर प्रसाद, जो 11 मई 1973 से 11 अप्रैल 1977 तक अकेडमी के निदेशक पद पर भी रह चुके थे। अकेडमी ने इस गीत की कुछ पंक्तियों का हिंदी, तमिल और मराठी में अनुवाद शुरू करके गीत को संशोधित भी किया है। यह गीत भारतीय सिविल सेवा की भावना का प्रतीक है और इस प्रकार सभी अधिकारियों के लिए एक निरंतर प्रेरणा देता है। थर्ड रोचक फैक्ट की बात है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और मालदीव के सिविल सेवकों को भी लबासना में प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि दोस्तों यह एक हैरान कर देने वाला तथ्य है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। लबासना न केवल भारतीय सिविल सेवकों को बल्कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और म्यांमार के कुछ चुनिंदा सिविल सेवकों को भी प्रशिक्षित करता है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक अपने भारतीय समकक्षों के साथ फाउंडेशन कोर्स प्रशिक्षण के पहले 3 महीनों के लिए यहाँ पर भाग लेते हैं। हमारा अगला अमेजिंग फैक्ट आता है कि हर अवसर और गतिविधि के लिए एक पुनर्निर्धारित ड्रेस कोड यहाँ पर फिक्स किया गया है। यानी कि दोस्तों लबासना में प्रशिक्षण अधिकारियों को परिसर में केवल औपचारिक पोशाक पहनने की अनुमति है। यहाँ तक कि मेस में खाने के लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित किया जाता है। कोई भी अधिकारी बाथरूम में चप्पल या सैंडल पहनकर अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकता। दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। क्लासरूम ड्रेस कोड में पुरुष अधिकारियों को गर्मियों में नेट टाई के साथ पूरी बाजू की शर्ट और पैंट और सर्दियों में नेट टाई के साथ पूरी बाजू की शर्ट, जैकेट और पैंट पहनना अनिवार्य है। वहीं इसके साथ ही चमड़े के जूते भी कंपलसरी माने जाते हैं। वहीं महिला प्रशिक्षण अधिकारियों की बात की जाए तो इनके लिए औपचारिक जूते, सैंडल के साथ साड़ी, सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता, वेस्टर्न बिजनेस सूट पहनना अनिवार्य है। मेस में भोजन करते समय सभी अधिकारियों को समान ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है।
हमारा अगला तथ्य आता है कि प्रत्येक लबासना पढ़ने वस्तु पर अकेडमी का लोगो होता है, यानी कि दोस्तों अधिकारियों की सुविधा के लिए लबासना को स्मारक की दुकान दी गई है, यानी कि प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक गतिविधि के लिए सभी सामान जैसे राइडिंग हेलमेट, ट्रैक सूट, अकेडमी स्वेटर आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों की जरूरत की स्टेशनरीज और अन्य सभी सामान भी उन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस दुकान में मिलने वाली हर वस्तु पर अकेडमी का प्रसिद्ध लोगो भी डिजाइन किया जाता है। लबासना ने आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, यानी कि दोस्तों लबासना आम लोगों को अकेडमी परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है। यदि कोई पर्यटक के रूप में अकेडमी का दौरा करना चाहता है तो अकेडमी के नियमों में यह निषेध करार दिया गया है, यानी हम या आप नॉर्मल एस्पिरेंट्स भी लबासना में जाकर यूं ही नहीं घूम सकते। आम लोगों को अकेडमी में प्रवेश तभी मिल सकता है जब अकेडमी उन्हें अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित करे, या यदि परिवार का कोई सदस्य या परिचित अकेडमी में प्रशिक्षण ले रहा हो। लबासना में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रशिक्षुओं को स्नातकोत्तर डिग्री से सम्मानित किया जाता है, यानी कि दोस्तों लबासना प्रत्येक आईएएस अधिकारी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यानी जिसे हम जेएनयू के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक मैनेजमेंट डिग्री में एमए प्रदान करता है, जो 2 साल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उत्तीर्ण किया जाता है। यह डिग्री केवल उन आईएएस अधिकारियों के लिए उपलब्ध है जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करते हैं। आपको बता दें कि लबासना में राज्य सेवा से पदोन्नत होकर आईएएस बनने वाले अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये है थे हमारे अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ लबासना। अगर आप भी इसके अलावा कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, या आपके पास कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो हमसे छूट गया है, तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम के साथ ढेरों पुस्तकें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप इन सभी किताबों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को भी सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद।